हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूट योर फ्लाइट टू सक्सेस एंड यस टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द टॉपिक टाइप्स ऑफ मार्केट एंड आई थिंक इन द प्रीवियस वीडियो हमने फर्स्ट थ्री टाइप्स ऑफ मार्केट डिस्कस ऑलरेडी किए हैं इन पार्ट वन वीडियो ऑफ द सेम इन दिस वीडियो रिमेनिंग जो भी क्लासिफिकेशंस है उसको हम डिस्कस करेंगे सो बिफोर गोइंग अ हेड स्टूडेंट न्यू पीपल टू माई चैनल काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर सो द वीडियो इज यूजफुल टू एवरीबडी ठीक है

So basically, primary market refers to the market for primary goods or primary uh, products such as agricultural and forest products, aap bol sakte ho, ki fruits, ho gaye, you know, directly. These are coming directly from the nature, like fruits, vegetables, food grains, crops, etc. Thayke? Those are called as primary market. These markets are specially for primary products. सेकेंड इज सेकेंडरी मार्केट द टर्म इट सेल्फ सेकेंडरी मार्केट सो ये रिफर करता है वो मार्केट जो सेमी प्रोसेस्ड होते हैं या सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं जैसे कि यान मार्केट है तो यान से आप बहुत सारे यू नो दिस आर कॉल्ड अ सेमी फिनिश्ड गुड्स सो यहाँ से आप एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं आयन और मार्केट में आयन और मिलता है जहाँ से आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हो फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हो सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अ सेकेंडरी मार्केट ठीक है थर्ड एंड द लास्ट वन इज टर्मिनल मार्केट टर्मिनल मार्केट रिफर्स टू द मार्केट वेर गुड्स आर सोल्ड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स और द यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट मतलब ये तो स्ट्रेट कनेक्शन होता है कंज्यूमर के साथ जहां पर गुड्स सोल्ड आई मीन टू सेल होते हैं डिरेक्टली टू द अल्टीमेट फाइनल कंज्यूमर ओके जो एक्चुअली यूज करते हैं प्रोडक्ट्स को सो दिस आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेस ऑफ इंपॉर्टेंस ठीक है फिफ्थ जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स डिपेंड्स ऑन द नेचर नाउ अंडर दिस द फर्स्ट वन इज कमोडिटी मार्केट कमोडिटी मार्केट रिफर्स टू द मार्केट फॉर गुड्स मटीरियल और प्रोडक्ट कंज्यूमर गुड्स हो गए इंडस्ट्रियल गुड्स हो गए सो दिस इज स्पेश कमोडिटी मार्केट जहां पर गुड्स uh, प्रोड्यूस uh, होते हैं या मार्केट uh, होता है जहां पर यू you नो know, गुड्स को रिफर किया जाता है और वो कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं या इंडस्ट्रियल गुड्स भी हो सकते ठीक है सेकेंड इज कैपिटल मार्केट्स इट इज अ मार्केट फॉर बोरोइंग एंड लैंडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज आगे चल के आई मीट टू से मे बी इन द नेक्स्ट योर इस टॉपिक uh, पर डिटेल्ड डिस्कशन होने वाला है बट इन ब्रीफ मैं आपको बता दू यहाँ पे ये यह ऐसे uh, इस तरीके का मार्केट है जहाँ पे बोरोवर्स और लैंडर्स आते हैं जो बोरो करना चाहते हैं पैसे वो बोरो करते हैं या जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो लैंड करना चाहते हैं वो लैंड करते हैं सो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म स्पेशली बिजनेस एंटरप्राइजेज यहाँ पर पैसे बोरो करने आती है जहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस में राइट right? और और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस मार्केट में ये है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है सो so इनकी जो मचॉरिटी पीरियड है डेफिनेटली uh, वो बहुत ज्यादा लंबी होती है सो दिस इज दैट टाइप ऑफ मार्केट वेयर बोरोइंग एंड लैंडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायर्ड बाई बिजनेस एंटरप्राइजेस ठीक है देन सिक्स जो हमारा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन यस यहाँ पर रेगुलेशंस की बात हो रही है सो दिज आर दो टाइप्स ऑफ मार्केट्स जहां पे स्टेचुटरी प्रोविजंस ऑफ द कंट्री आर फॉलोड ओके स्टेचुटरी मतलब मैंडेटरी एज पर द रूल्स एंड रेगूशन फॉर एक्जाम्पल आपका कमोडिटी एक्सचेंज हो गया या स्टॉक एक्सचेंज हो गया जहाँ पर शेयर्स यू नो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज में या फॉरन एक्सचेंजेस हो गए सो दिज आर ऑल रेगुलेटेड मार्केट्स, एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री यू कैन से इसके अंदर सेकेंड वन है सॉरी सेकेंड वन है अन और सॉरी <coughs> और फ्री मार्केट इट रिफर्स टू द मार्केट्स विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाई एनी स्पेसिफिक रेगुलेशन डेफिनेटली यहां पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं आते है बाई द कंट्री यू कैन से और बाई द अथॉरिटीज यहां पर एक ही काम uh, होता है वो होता है कि इट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यस जिसकी डिमांड ज्यादा होती है उनके सेल ज्यादा होते हैं ओके इट जनरली ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड Supply, as I already told you, and that is why it is unregulated or free market. The last one here is on the basis of competition. So, on the basis of competition, the first one is perfect market. स्टूडेंट्स परफेक्ट मार्केट इज अ मार्केट वेर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बाय एंड सेल होमोजीनियस डेफिनेटली परफेक्ट मार्केट उसी को कहते हैं जहां पर नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ सेलर्स भी ज्यादा होते हैं और वो क्या करते हैं सेम तरीके के या सिमिलर तरीके के गुड्स वो सेल करते हैं ठीक है सेल और बाय दोनों आई वोट टू से यू नो बायर्स हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस टू बाय सो दैट्स व्हाई इट इज अ परफेक्ट मार्केट वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बाय एंड सेल ओके दे आर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स दिज बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन डेफिनेटली हम परफेक्ट उसी को कहेंगे जब उनको उसके बारे में थरो नॉलेज होता है सो देर नो अबाउट द मार्केट कंडीशन एंड देर फोर यहाँ पे सिंगल प्राइस चलता है मतलब जहां पर भी आप जाओगे उस प्रोडक्ट का प्राइस सेम ही होगा सो दैट्स वाई दिस मार्केट इज कॉल्ड एज परफेक्ट मार्केट ठीक है सेकंड ऑब्वियसली जस्ट द अपोजिट ऑफ परफेक्ट मार्केट वो है इम परफेक्ट मार्केट रिफर्स टू अचुएशन मार्केट सिचुएशन बेसिकली विच इज कैरेक्टराइज बाय मार्केट इन परफेक्शन सच एज सिंगल सेलर सिंगल सेलर हो सकता है माल एडजस्टमेंट इन डिमांड एंड सप्लाई डिमांड सप्लाई भी यू नो विल बी नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट इम परफेक्ट नॉलेज होता है ऑन द पार्ट ऑफ बायर्स और सेलर्स सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज imperfect market so this is on the basis of competition students so i think today the remaining four classifications are clear to you or many already highlight main head points, sub head points which will help you to really understand the concept in a very clear manner so that's it children in this video or uh, in the next video definitely we'll come with more explanations of this chapter for sure till then thank you so much students thank you